दुनिया में आज 700 करोड़ लोग हैं और इस समय हम बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, मगर सिर्फ बातें किसी गरीब की हालत में सुधार नहीं लाती। केवल जानकारी होने से काम नहीं बनता, ना ज्यादा अनाज उगाया जा सकता है और ना बीमारी को ही ठीक किया जा सकता है। ये समस्याएं कथनी से नहीं, करनी से हल होंगी। इनके समाधान यहां हैं, बढ़िया आविष्कार जिनसे बिना खर्च के बिजली बनाई जा सकती है, खारे पानी को मीठा किया जा सकता है, जो सभी की सेहत में सुधार ला सकता है। ये कहानी है हमारी करनी की। मैं हूं मनोज भार्गव, 5 आवर एनर्जी का निर्माता। Have you seen this little bottle by the cash register? 5 hours, that's a weird amount of time. But I can't drink any more than this. I don't have the energy. Top 10 Rick Perry excuses. I had a 5-hour energy drink 6 hours before the debate. मेरे पास एक ड्रिंक का आइडिया था और 2 महीने में इस पर काम करने के बाद हम इसे मार्केट में ले आए। अमेरिका में कुछ ही समय में ये बहुत ज्यादा बिकने लगी और अचानक 5-hour energy दुनिया में सबसे बड़ी ड्रिंक्स में से हो गई। 5-hour energy sales got up 12%. Yes, sold over a billion and a half. 90% of the market share. It's cracked the Forbes billionaire list. मुझे एहसास हुआ, हे भगवान, हम तो बहुत कमा रहे हैं, अब मैं इसका करूंगा क्या? मैं आप सबको बताता हूं कि हम अपनी कंपनी में कैसे काम करते हैं। जब भी मेरे पास कोई नया काम लेकर आता है तो पहला सवाल मैं पूछता हूं कि क्या इसका उपयोग है, अगर है तो क्या, और अगर किसी काम का नहीं है तो कम से कम मनोरंजक तो होना चाहिए, और अगर ये फायदेमंद नहीं है और ना इससे मनोरंजन होता है तब इसकी एक ही जगह है, यानी कि बेकार काम है। तब ये बात साफ हो गई है कि ये बेकार काम है। फाइव आवर एनर्जी मेरे लिए कई चीजों का साधन है। इसकी कमाई से हमें ऐसे काम करने का मौका मिलता है जो और लोग नहीं कर सकते। ये हमारी पहली बिल्डिंग थी जिसमें ज्यादातर 5-hour एनर्जी का काम होता है, और इसके बाद में हमने सारी जगह खरीद ली। अब हमारे पास 10 बिल्डिंग है और 25 एकड़ जमीन है। इसमें से एक बिल्डिंग आविष्कार शाला है जिसका नाम है स्टेज 2। मेरी सोच हमेशा से ये रही है, ऐसी चीज बनाते हैं जिनसे लोगों की जिंदगी में फर्क तो पड़े। स्टेज 2 वर्क्स इन द एरिया ऑफ वाटर, पावर, हेल्थ। आवर गोल इज वेरी सिंपल, टू deliver innovations which can directly impact humanity, and the only way to do that is to actually go fund it. Hamari soch yahi hai ki agar aap aise avishkar karte hain jo lambe samay tak faydemand rahe hain to shayad ye sabse mool parivartan hoga. Isliye humne aisa bunyadi dhancha banaya hai jahan acche avishkar honge jo is duniya ke gareeb logon ke jeevan ko behtar banayenge. हमारे हिसाब से अच्छे आविष्कार की यही परिभाषा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐसा करने के लिए ढेर पैसों की जरूरत नहीं है, बल्कि सही काम करने की और सही चीजों का आविष्कार करने की जरूरत है। My name is Billy Talley and I run the engineering and operations here at Stage 2 Innovations. Manoj truly believes in giving back. One of his ways that he believes in giving back is coming up with innovations to help people. स्टेज 2 ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिन्हें आविष्कार करने से प्रेम है। इस टीम के लोगों के गैराज में आपको गाड़ियां नहीं बल्कि ऐसी चीजें मिलेंगी जो वो खुद बना रहे हैं। You should see how I got hired. I had actually built a nail gun powered pogo stick and they thought I'd fit the job well. इनको लगता है कि जैसे स्वर्ग में, मैं अगर उन्हें तनख्वाह ना भी दूं तब भी ये यहीं पे काम करेंगे। जब बिली पहली बार यहाँ आए, मैंने कहा, बिली तुम्हें काम के लिए जो भी औजार खरीदने हैं जाओ खरीद लो। मुझे लगा जैसे वो चौंक गए, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि एक इंजीनियर से ये कहना बच्चे को खिलौने की दुकान में खुला छोड़ने के बराबर है। We have a very, very well-equipped shop here. There's not much we can't build ourselves. Manoj has expressed many times, if it doesn't make a big difference, find something else to do. Life is too short to spend it doing things that don't have a real impact. We're here to make a difference. आपको अगर दुनिया के गरीबों के लिए कुछ करना है तब यहाँ काम करिए।
अगर ऐसा करने में हमारी कमाई नहीं भी होती है मगर जरूरतमंद लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है तब भी हम आगे बढ़ेंगे और बनाएंगे। हमारे पास वो सब कुछ है जिससे हम ऐसे आविष्कार कर सकते हैं जिससे दुनिया भर में लोगों को फायदा हो। We strive to be fast to failure. We're going to take something and we're going to run as fast as we can and do what we have to do so we can determine whether we're going to go forward or we're not. These are items that we want to bring out on a large scale that he truly believes in. काम को पूरा करने के लिए इस आविष्कार शाला का होना बहुत जरूरी था। इसके बिना हमारा काम हफ्तों के हिसाब से पीछे चल रहा होता। यहाँ हम ऐसी कई चीजें बना लेते हैं और ऐसा कर पाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो बहुत ज्यादा उपयोगी होंगी। अगर कोई ऐसी चीज बनती है जो नुमाइशी है मगर काम की नहीं है तो हम उसे नहीं करेंगे। मुझे फैशनबाजी की चीजों का कोई शौक नहीं है, ना मैं फैशन वाला हूं ना बन सकता हूं। वो समय बहुत पहले जा चुका है। मेरा काम है मुश्किल को सहज करना, जबकि ऐसा लगता है कि बिजनेस सलाहकार का काम होता है सहज को मुश्किल बनाना। हम भी कभी कभी कुछ एक्सपर्ट्स और कंसल्टेंट्स की राय लेते हैं और ज्यादातर जब कोई साइंस वाला ये कहता है कि ये नहीं हो सकता, मेरे लिए वही साफ हो जाता है कि ये जरूर हो सकता है। हम पहले अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक्सपर्ट कौन होता है? एक्सपर्ट पुरानी बातों का जानकार है, वो उन चीजों में माहिर है जो हो गई हैं। और अगर आप उनसे ये पूछते हैं कि क्या आगे ऐसा कर सकते हैं, वो कहता है नहीं नहीं ये नहीं किया जा सकता क्योंकि मैं पुरानी चीजों में माहिर हूं। फिर मैं कहता हूं मूर्ख, तो करना तो आगे के लिए है, पीछे के लिए थोड़ी। इसलिए हम एक्सपर्ट से बात करते हैं जांचने के लिए कि शायद उन्होंने कुछ ऐसा सोचा हो या उस विषय के इतिहास से जुड़ा हो, कुछ ऐसा जानते हो जिसके बारे में हमने नहीं सोचा। मगर भविष्य के लिए हम उन पे निर्भर नहीं होते, ऐसा करना मूर्खता है। मेरे लिए भविष्य के काम का सबसे जरूरी क्षेत्र है बिजली और पानी। असली में स्वास्थ्य, रोजगार और इन सबसे जुड़ी हुई सारी चीजों का आधार यही है। ज्यादातर अमीर देशों में रहने वाले लोगों को यह पता नहीं है कि आधी दुनिया के पास या तो बिजली है ही नहीं या सिर्फ दिन में 2-3 घंटे के लिए आती है। सब कुछ बिजली पर निर्भर है, तो हम उस चीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसका फायदा सैकड़ों कामों में होगा। मानव शरीर में जो शक्ति है, ऊर्जा है, अद्भुत है, तो हम उस शक्ति का प्रयोग करके बिजली क्यों नहीं बना सकते? तो हमने एक तरह की साइकिल बनाई है जिसे सिर्फ 1 घंटे चलाने के बाद आपके पास 24 घंटे तक बिजली रहेगी। हम इसे फ्री बिजली कहते हैं। मुझे लगता है कि फ्री बिजली हमारा सबसे बड़ा आविष्कार है। इसलिए नहीं क्योंकि ये देखने में शानदार है, मगर इसलिए क्योंकि ये सबसे सहज है। हम चीजों को सरल से और सरल करने की कोशिश करते हैं और तब भी इसका प्रभाव शायद पिछले 100 सालों में की गई चीजों से ज्यादा होगा। इसका कारण ये होगा कि दुनिया के आधे लोगों को फ्री बिजली की मशीन से 24 घंटे बिजली मिलेगी। बिजली वो साधन है जो सभी को आगे बढ़ने में समर्थ करती है और हमने आधी दुनिया को इससे बाहर रखा हुआ है। ये उन सब लोगों को आगे बढ़ने का मौका देती है जिन्होंने अब तक हुए विकास को अनुभव ही नहीं किया। वो सब आज भी 2000 साल पहले जैसे जी रहे हैं। इतने सारे लोग अब समाज में अपना योगदान दे सकेंगे और ये साधन उन्हें ऐसा करने में सक्षम करेगा। इससे समस्या का समाधान होगा, चाहे जो हो जाए। सूरज निकले या बादल आते हैं, दिन हो या रात, कुछ भी हो जाए, बिजली तो होगी। आप कभी भी बिना बिजली के नहीं रहेंगे। और दुनिया भर में इसके फायदे को देखने का एक और दिलचस्प नजरिया। Hurricane Katrina was a Category 5 monster that became the costliest disaster ever in the U.S. जब भी कैटरीना जैसा कोई तूफान या आपदा आती है, तो सबसे पहले उसका असर बिजली पर पड़ता है। हम सब कभी ना कभी आंधी तूफान के समय बिना बिजली के गुजर चुके हैं। उस समय आप एक ही चीज नहीं चाहते हैं कि आपका मोबाइल बंद ना पड़ जाए। आपदा में आप लोगों से संपर्क में रहना चाहते हैं और अंधेरे में तो बिल्कुल नहीं रहना चाहते। सबसे बुरा होता है बिना मोबाइल के अंधेरे में होना, तो अब आप अंधेरे में भी हैं और अकेले भी। फ्री बिजली की मशीन के साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। आमतौर पर लोग जनरेटर लाते हैं, डीजल जनरेटर, मगर इसके साथ मुसीबत ये है कि जब आपदा पड़ती है या कोई तूफान आता है तो डीजल नहीं मिलता। अगर आपके पास ये होगा तो आप कभी भी बिना बिजली के नहीं होंगे। आप खुद जब चाहे अपनी बिजली बना पाएंगे और किसी तरह का प्रदूषण पैदा नहीं करेंगे। इसका मतलब दुनिया के आधे घरों से प्रदूषण नहीं निकलेगा।
अगर आप एक घंटे के लिए साइकिल चलाते हैं तो आप लगभग आधा किलो कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आपके पास इतने लोगों के लिए बिजली है और ये हमारे शरीर की ताकत से बनती है। एक घंटा इसे चलाए और 24 घंटे आपके पास बिजली रहेगी। इसके साथ आप पर एक असर पड़ेगा कि आप और ताकतवर और सेहतमंद बन जाएंगे। इसका और कोई बुरा असर नहीं है। यही है आदर्श आविष्कार। इसी वजह से सहज चीज सबसे अच्छी होती है। वो अपना अच्छा प्रभाव सब पर डालती है और उनकी कोई अंजाम परिणाम नहीं होते। There really is only a few components. You have the basic frame, you have the bicycle gearing, you have the flywheel, you have the battery, and the generator. So it's very, very simple. You know, there's not a whole lot to it, and it's just like riding a bicycle. You know, right. After you get going, let's see if I can. It's do pretty it. Simple. Okay. So is this the right gear for yeah. starting? Yeah. Well, that you're in second gear actually, so you're a little bit tall. So it's like driving your car away in second gear. Well, actually, I can see it there. That's a battery. You lean back. Yes. That's the whole part about the reclining side. That's pretty cool. With human energy and working out a lot of the efficiencies, we're able to go and power 1,050 equivalent watts of lighting and energy power. That's like being able to power 10 100-watt light bulbs. I mean, it's a lot of light. Wow. So when does this start to get to a point where it lights up everything? Well, actually, right about now? Be any time now. There we go. All right. Is that for me? Is that for me? Yeah. Just doing it here? Yep. Actually, this isn't bad. No, it's not bad at all. This is like where you would set a bike if you were going to exercise? Yep. And with that, you're still able to charge your cell phone. You're able to charge your tablet. You run a small fan. You know, it really kind of puts some of these things into perspective. Pedal for an hour, and you can have lights, charge your phone, and everything else throughout the night. ये दुनिया भर में बिजली बनाने का सबसे सस्ता और फायदेमंद तरीका है। चाहे आप कहीं जंगल में भी रहते हो, तो अब ये सारे गरीब लोग जो दुनिया में हो रहे विकास से बाहर हैं, इसका हिस्सा बनेंगे और अपने योगदान से इसे और आगे बढ़ाएंगे। ये लोग भी अब इंटरनेट को इस्तेमाल करेंगे। इन्हें भी अब जानकारी मिलेगी, बच्चों को पढ़ाई मिलेगी। असली मुद्दा है गरीबों को गरीबी से बाहर निकालना, और ऐसा करने की एक बुनियाद है बिजली। जरा सोचिए, गरीब गरीब ही रहे हैं क्योंकि उनके पास बिजली नहीं है। बिजली मूल चीज है, बिजली और पानी, ये दो सबसे बड़ी चीजें हैं जिनको गरीब को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इतने पैसे? किसी ने मुझसे पूछा किसी इंटरव्यू में, एक बिजनेस वाले के लिए वास्तव में सबसे जरूरी क्या है? तो मैंने कहा सिर्फ दो चीजें, समझदारी और फुर्ती, बस यही। और वो सब मुझसे पूछते हैं कि हमें ये किससे सीखना चाहिए, और मेरा जवाब होता है अपनी माँ से, क्योंकि उन्होंने घर पर किसी MBA प्रोफेसर से कहीं ज्यादा मैनेजमेंट किया है। उन्हें सीमित आमदनी में घर चलाना होता है, सबकी जरूरतों को पूरा करना पड़ता है, और भागते दौड़ते बच्चों को भी संभालना होता है। ये आसान नहीं है, और ये 24 घंटे हफ्ते के सातों दिन करना होता है। इसे कहते हैं काम, मेहनत। ये होता है काम करते हुए सीखना। आपकी ग्लोबल वार्मिंग पर जो भी राय है, सच तो यही है कि हमारी धरती और उसके आसपास की हवा सब पहले से ज्यादा गंदे होते जा रहे हैं। प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। आप कौन हैं और आप विज्ञान से जुड़ी किन चीजों को मानते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम सब जानते हैं कि प्रदूषण बुरा है और हमें इससे छुटकारा पाना ही होगा। क्या ऊर्जा बनाने का कोई साफ तरीका है? अगर इस प्रश्न का हमने हल निकाल लिया, तो समझो हमारा तीर सीधा निशाने पर लग गया। बिना प्रदूषण के पूरे देश के लिए बिजली। तो हमारा पहला प्रश्न था, इतनी ऊर्जा है कहां? और उसका एक ही जवाब है, वो यही है। हम जहां खड़े हैं उसी जमीन
नीचे बेहिसाब ऊर्जा है। आप जितना धरती के गहराइयों में जाते हैं उतनी गर्मी बढ़ती जाती है। उस ऊर्जा को, उस गर्मी को अंदर से यहाँ हम ऊपर ला सकते हैं जितना चाहे बिना प्रदूषण के। क्या ऐसा करने का रास्ता है, धरती के अंदर छिपी ऊर्जा को ऊपर लाने का, सिर्फ उस गर्मी को? You can't use copper wire because it'll melt. So we found this material called graphene. Graphene ऐसी चीज है जो graphite से बनती है, और graphite pencil के lead जैसी होती है। अब ये आविष्कार हुआ कि अगर एक बार में एक कण या molecule की परत graphite पर से उठाई जाए तो वो graphene कहलाता है, और इसमें गजब के गुण हैं। It's 100 times better conductor than copper. It's lighter than air, stronger than steel. ये गर्मी को बहुत कुशलता से ट्रांसफर करता है। If you put 100 degrees here, you get 100 on the other side instantly, and the metal is completely cool. तो जितनी गर्मी आपने एक तरफ डाली, सारी की सारी दूसरी तरफ पहुंच जाती है। अब चाहे आप 2 meter नीचे जाएं या मीलों, आप धरती की बेशुमार गर्म ऊर्जा को अंदर की गहराइयों से ऊपर ला सकते हैं बिना प्रदूषण के। तो फिर मैं ग्राफीन बनाने वालों के पास गया और उनसे कहा कि आप मेरे लिए एक धागा बना सकते हैं। वो चौंक के मुझसे पूछने लगे कि हम धागा क्यों बनाएंगे। तब मैंने समझाया, देखो धागा सबसे मूल चीज है। अगर आपके पास किसी चीज का धागा है तो आप उससे कपड़ा, दीवार, रस्सी या तार बना सकते हैं। अगर आप मेरे लिए धागा बनाएंगे तो मैं उन धागों को जोड़ के तार बनाऊंगा। फिर मैं उस तार को जमीन के नीचे डालूंगा और वो ग्राफीन का तार जमीन के अंदर की ऊर्जा को ऊपर लाएगा। ये सुन के शुरू में उन्हें विश्वास नहीं हुआ क्योंकि आइडिया बहुत सरल था। They have already made the first set of ropes for us, the short ones. They've tested it and found it to work perfectly fine. We are using that and working at Stage 2 in Michigan. Stage 2 has a platform we are building where we'll test everything out. And then that product will be commercially manufactured and propagated from Singapore. ये शायद अब तक का सबसे महान आविष्कार होगा, क्योंकि सोचिए, अगर आप जमीन के अंदर छिपी ऊर्जा को बिना प्रदूषण के बाहर लाते हैं, तो गजब हो गया। कितनी बड़ी समस्या का हल है। सदियों से जो खोद-खोद के हम धरती से ईंधन निकाल रहे हैं, जैसे पेट्रोल या कोयला, उनसे जुड़ी हुई समस्याएं नहीं होंगी। प्रदूषण नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और तरह तरह की खराब धुआं नहीं निकलेगा, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही है बढ़िया हल। और इस आविष्कार के लिए कोई पैसा, कोई खोज, कोई साधन नहीं लगाया जा रहा था। अभी तो हमने सिर्फ ट्रेलर बनाया है। हम दुनिया भर में देशों में जाकर पूछेंगे, आपको देश में साफ और भरपूर ऊर्जा चाहिए, तो फिर इसको इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद आपके पास भरपूर ऊर्जा पाने का साधन होगा। अब जाहिर है वो देश जो कोयला, तेल जैसी चीजें बेचते हैं, उन्हें ये हल पसंद नहीं आएगा। शायद उन्हें मुझ पर गुस्सा भी आए, मगर मैंने अपनी सारी टेक्नोलॉजी और विचार सिंगापुर भेज दिया है, ताकि ऐसी जगह ये टेक्नोलॉजी हो जो बिना भेद के बाकी देशों में इसे पहुंचाएगी। और इससे ज्यादा लोगों को प्रेरणा मिलेगी ये कहने की कि साफ ऊर्जा की भरपूर सप्लाई के लिए हमें अपने साधन इसमें लगाने होंगे। ऊर्जा ऐसी चीज है जो समानता ला सकती है। अगर सभी के पास भरपूर ऊर्जा होती तो गरीब गरीब नहीं रहते। हमारी चिंता लोगों को अमीर बनाने की नहीं है, हमारी चिंता ये है कि क्या हम गरीब लोगों को अपना रोजगार चलाने में मदद कर सकते हैं, क्या हम उनकी सेहत बेहतर कर सकते हैं, क्या हम उन तक साफ पानी पहुंचा सकते हैं। अगर हम इन सभी जरूरतमंद लोगों तक ये चीजें पहुंचाते हैं तो इससे उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। स्टॉक मार्केट के लोग उन कंपनियों से ज्यादा आकर्षित होते हैं जो अपनी कमाई का 3 to 5% हिस्सा आविष्कार या रिसर्च में लगाते हैं। ये क्या अकलमंदी है? ये पैसों की बात नहीं है। दुनिया की सबसे अच्छी चीजें पैसों से नहीं बनती, इतिहास सिखाता है, फिर भी हम पैसों के पीछे ही भागते हैं। बहुत सारे PhD मिलकर बेहतरीन आविष्कार नहीं करते। ये कई बार साबित हुआ है कि बदलाव लाने वाले अक्सर अपने गैराज में काम करने वाले साधारण लोग होते हैं। अगर आप देखेंगे तो इतिहास में हमेशा से चंद मेहनती और समझदार लोगों ने सबसे बढ़िया आविष्कार किए हैं। फिर भी हम ये सोचते हैं कि अगर हम 500 के बदले 1000 PhDs को काम पर लगाएंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। ऐसा नहीं होता है।
The drought has left its mark here. Some communities could soon run. This winter, what a difference. The state now in extreme drought. प्रकट करते हैं जो इस दुनिया के खारे पानी से भरे विशाल समुद्रों के पानी को मीठा करता है। एक कहावत है, पानी ही पानी हर जगह, मगर पीने के लिए एक बूंद नहीं। हमारे आसपास समुद्रों में इतना पानी है, मगर हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। दुनिया भर में कई देश हैं, भारत, अफ्रीका, चीन, हर जगह पानी की कमी है। और हमने इस पानी की समस्या को इसलिए चुना क्योंकि पानी से ही जीवन है। Spray bars are holding, starting to make distillate. Cool. Where we are right now is the rain project. इस समय हम रेन प्रोजेक्ट की जगह खड़े हैं। ये मशीन खारे या गंदे पानी को साफ शुद्ध पानी में बदल देती है। Well, one of the reasons why we got involved in the rain project is we saw a lot of lacking technologies in the market to generate what we call high quality water, which can be used for agriculture, drinking, and industrial applications. But more importantly, it does not require any operational support. All right, start spinning other parts. हम इसे बारिश की मशीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मशीन प्रकृति के बारिश बनाने के तरीके की नकल करती है। सबसे पहले मशीन पानी को गर्म करती है, उससे भाप बनती है। इस भाप को फिर अलग कंपार्टमेंट ले जाकर ठंडा करके शुद्ध किया जाता है। फिर वही भाप शुद्ध पानी में बदल जाती है। ऐसा करने में पानी को गर्म करते समय ऊर्जा निकलती है। जब भाप को शुद्ध पानी में बदला जाता है तो वही भाप अपनी गर्मी छोड़ देती है। भाप से छूटी हुई इस गर्मी को वापस लेकर नए पानी को गर्म किया जाता है। इस तरह उसी ऊर्जा को बार बार काम करने में लगाया जाता है। ये छोटी सी मशीन लगभग 4000 लीटर पानी को केवल एक घंटे में शुद्ध कर सकती है। दूसरी टेक्नोलॉजीज के मुकाबले इस मशीन की कुछ खूबियां हैं कि इसमें पार्ट्स की खपत नहीं होती है। कोई ऐसा मेम्ब्रेन या फिल्टर नहीं है जो खराब हो जाए। अभी तक की टेक्नोलॉजी से समुद्र के खारे पानी को सिर्फ पीने लायक बनाया जा सकता है। मगर आप शायद ये नहीं जानते हो कि पीने लायक होने के बाद भी उस पानी में इतना नमक रह जाता है कि उससे खेती नहीं की जा सकती। जमीन की सिंचाई के लिए उस पानी में नमक फिर भी बहुत ज्यादा होता है। This was our prototype version from 6 months ago. We learned off this version. We added some new ideas and concepts, and we built to what we believe is our next version to go into the field for commercial use. Billy motor gaadi industry se aaye hain, isliye har cheez is lakshya se banayi jati hai ki hame aage chalkar iski factory lagani hai aur saikdon ki tadad mein inhe banakar taiyar karna hai. As we call it, we can cookie cutter it. So we can stamp out thousands upon thousands of them. दुनिया भर में आज साफ पानी की मांग का तहलका मचा हुआ है। इसलिए समय की मांग यही है कि आप इनके हजारों यूनिट जल्दी से जल्दी खड़े कर सकें, बजाय सिर्फ एक पानी साफ करने की फैक्ट्री जिसे तैयार करने में लगभग 10-15 साल लगेंगे। इतना समय अब नहीं है। We're able to take, you know, seawater, undrinkable, unusable for anything, and turn it into complete drinking water, literally in a matter of minutes. And the beauty is, it's a very self-contained system. You don't need a lot of infrastructure to do it. If you move something in a modular basis, you need the hoses to hook up for the water, a couple of tanks to collect the water, and electricity to run it. So it's very easy and modular system to be able to put in anywhere in the world. And when you're done, you have lovely, fresh, clean water. It's warm enough to make tea right now, but good, fresh, ready to go. Great. How is it? It's good. It's good distilled water. You know, this water right here is probably at a level almost a pharmaceutical grade water. Wow. And that's one of the other beauties is we can raise or lower what the level we want to. But this is very, very, very pure water right now. Saaf, taaza, shuddh pani se aata hai anaj. Kisano ka rozgar. और सबके लिए अच्छी सेहत। This is the first time exceptional drought has ever been declared in California. These before and after pictures show where water levels should be and where they are today. आप चाहे अमीर हो या गरीब, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास पानी नहीं है तो आपको कहीं दूसरी जगह बसना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो बिना पानी के मर जाएंगे। हमें पानी की समस्या पे काम करना ही होगा, इसमें कोई दोराय नहीं है।
अब कैलिफोर्निया में इस चीज पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना ही इस पर कोई बात करना चाह रहा है। अगर आपको पानी नहीं मिला, अगर आप इस समस्या का हल नहीं निकालते हैं, तो कैलिफोर्निया राज्य रेगिस्तान बन जाएगा। अब ये सोच रहे हैं कि इस मशीन का एक बड़ा पार्ट लगाने से अच्छा है कि हम इसके बहुत सारे यूनिट लेकर अलग अलग जगह लगाएं। इसे या तो समुद्र के तट पर रखा जा सकता है, या बजरा यानी कि एक लंबी चिपटी नाव बनाकर उस पर सैकड़ों यूनिट्स लगाए जा सकते हैं। इस बड़ी नाव पर रखे सैकड़ों यूनिट्स करोड़ों लीटर पानी एक दिन में बनाएंगे। अब आप ये पूछेंगे कि बजरे पर क्यों? इसका जवाब बहुत सरल है, क्योंकि पानी वही है। तो मान लीजिए तट से कुछ मील दूर आपने एक कम ऊंचाई के बजरे को रखा है। कम ऊंचाई पर इसलिए क्योंकि मशीन उसके नीचे लगी होगी और पानी अपने आप मशीनों में चला आएगा। बिना पंप के जब पानी खुद अंदर आएगा तो समुद्र का कोई जीव नहीं मरेगा। उसके बाद मशीनों से बना साफ पानी हम समुद्र पर तैरती हुई पाइप से ला सकेंगे या टैंकर्स में डाल के जमीन तक ला सकेंगे। अब सोच रहे हैं कि अगर दक्षिण कैलिफोर्निया के समुद्र के तट से कुछ दूर 100-200 बजरे लगा दिए जाते हैं तो दक्षिण कैलिफोर्निया की पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर तब कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, हम ये नहीं चाहते, तो ठीक है, हम किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। हल ऐसे होने चाहिए जिनसे ऊर्जा की खपत कम हो, जो बहुत बड़े पैमाने पर बनाए जा सकें और जो राजनीति के मामलों से परे हों। ये बहुत मूल समस्या है। अगर इस प्रोजेक्ट के हजारों बजरे दुनिया भर में लगा दिए जाएं, तो अनगिनत लोगों की पानी की समस्या का हल किया जा सकता है। अंत में 7, 8 या 900 करोड़ लोगों की जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा। इसलिए ये काम हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी कंपनी में एक प्रधान आदेश है जो सब पर लागू होता है। अगर आपने टीवी पे कभी स्टार ट्रेक देखा है तो आपको प्राइम डायरेक्टिव या प्रधान आदेश के बारे में पता होगा। कंपनी में प्रधान नियम ये है कि परेशान करना मना है। किसी को भी परेशान करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो कंपनी में काम करता हो या कंपनी का ग्राहक हो। अगर आप भड़कते हैं या भड़काते हैं तो आपको कंपनी से जाना होगा। ये इतना सहज है। असल में ये बिजनेस है। ज्यादातर ऐसा ही होता है कि 1% ग्राहक ही भड़काते हैं। अगर आपका कोई ग्राहक आपका बिजनेस का 1% कमाई का हिस्सा है और वो उत्तेजित होकर आपको भी पागल कर रहा है, आपके दिमाग और आपके समय के 80% हिस्सा खा रहा है, तो ये फायदे का बिजनेस नहीं है। इसलिए परेशानी बिजनेस में सबसे बड़ा खर्चा है। मेरा काम मेरा शौक है। मैं काम इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे करना ही है, मुझे सच में काम करने में मजा आता है। ये काम मेरे लिए क्रिकेट भी है और फुटबॉल भी, और ये सब बहुत ही मजेदार है। I just tried 4 different new flavors of 5-hour. मेरा दिन समाज सेवा, टेक्निकल काम और 5-hour एनर्जी के कामों की एक जुगलबंदी है। कई बार मुझे एक कंपनी से दूसरी तक मिनटों में पहुंचना पड़ता है। I don't think he would be Manoj if he wasn't doing a lot of things at one time. It's how he thrives. I want a Jetson suitcase. Oh, wow. Yeah, good luck with that. We could do that. We could do that. Okay. Ready? Yeah. Which way? I always get lost here. Too many companies. Forgot my keys. So annoying. And then Oh, look at that. More fancy. Yeah. And we have to tell you a joke about Capella, but we'll let you know. This is specially for you. Oh, God. This is just to annoy me. This is to give me aggravation. let me give you a quick 50 cent to an analysis. Okay. Yeah. So this is about 3 times the size we had. Okay. आज मेडिकल साइंस में तेजी से आगे बढ़ने के लिए जो काम हो रहे हैं, पिछले 50 सालों में किए गए कामों से बहुत अलग हैं। पिछले 50 सालों से इस लाइन में सभी कह रहे थे कि ये बीमारी है और इसे हमें मारना है, बस इसे खत्म करना है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि असल में समस्या का हल ये नहीं है। इसका हल एक ऐसी चीज है जिसे हम इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, जिसका मतलब है बीमारी से बचाव के लिए अपने शरीर को और ताकतवर बनाना। समझिए, इस समय कैंसर की बीमारी से जुड़ी हर खोज, हर काम इम्यूनोथेरेपी में हो रहा है।
अंतिम लक्ष्य यही है कि अंदर से इंसान को इतना ताकतवर बनाया जाए कि रोग ही ना हो या रोग हटने लगे, क्योंकि शरीर का इम्यून सिस्टम बीमारी को मारने लगता है। हमने पाया कि इससे जुड़ा एक महान आविष्कार दसों साल पहले किया जा चुका है, मगर जब वो आविष्कार हुआ था तब उसका समय सही नहीं था। अब जब लोग जाग चुके हैं और इम्यूनोथेरेपी के फायदे को पहचान चुके हैं, तो ये शायद अब बीमारियों से लड़ने का हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा। Right here, we're working on the ECP project called Renew. And the ECP project stands for External Counter Pulsation. The idea is the ECP squeezes blood from the legs back into the core body and assists the heart when the heart's resting. While the heart is resting, this is pumping. While the heart is pumping, this is resting. They go back and forth, so it acts almost like an auxiliary heart. The arteries become wider, which lets blood pass more easily. The effects happen through the entire body. The evidence is overwhelming that it makes people healthier. Right, tighten that, then tighten. Right, there you go. Was that easier? Yes. जब पहली बार मैंने इस चीज को देखा तो मैंने कहा, क्या आप मजाक कर रहे हैं? एक पुरानी अंग्रेजी पिक्चर लाइफ ऑफ ब्रायन का ध्यान आया। उसमें लोग सूली पर चढ़ने के लिए खुद आगे आ रहे थे। अगर कोई डॉक्टर मुझसे ये कहे कि भाई तुम दिल के मरीज हो, तुम कैसे ठीक होना पसंद करोगे, ऑपरेशन से या बिना ऑपरेशन के? अरे मैं चीर फाड़ कराने से पहले दूसरे तरीके को तो आजमाना चाहूंगा, और ऐसा सोचने के लिए बहुत अकलमंद होने की जरूरत नहीं है। सबको अपनी जान प्यारी होती है। कौन पागल है जो ऑपरेशन चाहेगा जबकि बिना ऑपरेशन के आप ठीक हो सकते हैं? तो हमने इस थेरेपी की और जांच की और पाया कि इससे बहुत सारे फायदे हैं। इस टेक्नोलॉजी पर कई सालों से काम हो रहा था और इसके फायदे को लगभग 300 साइंटिस्ट ने परखा और देखा है। इतने सब के बाद भी आम जनता तक यह बात नहीं पहुंची। जब पहली बार किसी ने मुझे यह मशीन दिखाई तो मैंने कहा, इसमें इतना दम है, इतने फायदे हैं, इस मशीन को मैं जरूर खरीदूंगा। इस मशीन को कुछ लोग बना रहे थे, मगर उनसे मशीन को खरीदने में किसी ने खास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। शुरुआत में यह बहुत बड़ी और बेढंगी सी थी, आधे से ज्यादा कमरा घेर रही थी और इस्तेमाल करते समय कमरे को बहुत गर्म कर देती थी। लेकिन मैंने कहा, कोई बात नहीं, मुझे यह खरीदनी है। So we have one here all folded up. Can you put it together? So we will go and pop That's it. That's a good idea. Right, okay. I should time this. हमने इसे पूरी तरह से बदल दिया है। इसे बहुत सरल और छोटा कर दिया है और भी कई सारे सुधार लाए हैं। इसे बनाने के बाद हमने दुनिया के टॉप हार्ट डॉक्टर और मेडिकल रिसर्चर्स से बात करी और उन सब ने यही कहा कि ये मशीन बहुत फायदेमंद है। साथ ही हमने कुछ ऐसे लोगों से बात करी जो अपने क्षेत्र के टॉप में नहीं है और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये सिर्फ बुजुर्ग लोगों के लिए है जो ऑपरेशन सहन नहीं कर सकते। ऑपरेशन करवाना ईसीपी से बहुत ज्यादा अच्छा है। और वो इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो झूठे हैं, लेकिन शुरू से उन्हें यही ट्रेनिंग विरासत में मिली है, उन्हें ऐसा ही सोचना सिखाया गया है। Put the hoses on and it's ready to run. Okay. Well, that was about less than a minute. Okay. So actually, this can be now put in a corner somewhere, or taken in a truck or put it in a closet, put in a corner. You can store it away, okay. Or very cool. You know, it can go room to room for people. You right. know it. Right. You know, in a doctor's office or something. And it plugs into a normal 110 volt plug. ये शरीर में खून के बहाव को सही करता है। प्रकृति ने हमें एक पंप दिया है जिसे हम दिल कहते हैं, और हमारा ये दिल शरीर को चलता रखने के लिए पंप करता रहता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लाने और गंदगी हटाने का काम करता है। समय के साथ ये पंप पुराना होता जाता है। जब पुराना हो जाता है तो उतनी अच्छी तरह से ये सारे काम नहीं कर पाता और अचानक आपके शरीर में सर से लेके पांव तक कुछ ना कुछ होने लगता है। दिल की बीमारी, डायबिटीज और भी कई सारी बीमारी होने लगती। जरा ध्यान से सोचिए, ये सब आए कहां से? असल में आप कमजोर होते चले गए और ये सब बीमारियां आने लगी। आपका शरीर कमजोर हो गया, आपके शरीर से गंदगी नहीं निकली। सोचिए, अगर हमारे पूरे शरीर से गंदगी नहीं हटेगी, मान लीजिए आपके सर में गंदगी रह गई, उसके बाद आपके दिमाग में बीमारी हो गई, आप सोचोगे कि ये आई कहां से? आप सोचेंगे कि मुझे ये रोग लगा कैसे? सीधी सी बात है, जब कचरा छूटेगा
तो कुछ देर बाद सड़ेगा और सड़कर जहर बनेगा जिससे बीमारियां आएंगी। अगर आप लगातार कचरे को साफ करेंगे तो आपको अपनी सेहत बेहतर रखने का मौका मिलेगा और बीमारियों के वापस आने का चांस भी कम होगा। मूल बात यह है कि रिन्यू मशीन आपके खून के बहाव को अच्छा करती है। स्टेज टू के काम करने का तरीका यही है, अकल से प्रकृति की नकल। हम हमेशा सहज चुनते हैं और इसमें वो यही है कि अगर आपकी सेहत पहले से बेहतर है, आप पहले से ज्यादा तंदुरुस्त हैं, तो बीमारियां कम होंगी। मुझे ये बात सर डेविड लेन ने बताई। पहले मेरा सारा ध्यान ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पे था और उन्होंने इतना बढ़िया विचार रखा, कहने लगे लक्ष्य बीमारी को ठीक करना नहीं है, तंदुरुस्ती को बढ़ाना है। बीमारी का इलाज ऐसे किया जाता है, कितनी समझदारी की बात थी। David Lane is regarded as one of the foremost scientists and experts in the area of cancer and oncology. He's actually been knighted by the Queen. He's a brilliant person. When you get to talk to him, you'll realize how fast he can understand the things we are doing. And he sees tremendous benefits for ECP in healthcare. So his point is, if you can delay ailments, that's healthcare. We tend to think of ourselves as being well or being ill, but the reality is it's a continuum. And what we should be aiming for is great wellness and no illness. I think what we tend to do is think we're well until we're ill, and that's the wrong way around. We need to be thinking about maintaining health as a much more proactive process. Everybody wants a shortcut, so maybe I take this vitamin and I'll be better, or maybe I'll do this, I'll be better. But what we need to do is think about fundamentals. So what is the fundamental? The fundamental is the blood, the circulation. That's what your heart's doing, that's what's taking nutrients around your body, that's what's critical for eliminating waste products. So clearly poor circulation is the basis of a lot of illness. So it's clear to me, you know, that anything that can help people to improve their health is very, very important. So ECP is an example of that. Everybody says, well, you know, how can something so simple work? How can just pumping your circulation a bit help? But the question is, ask the question, does it work? If it does work, then it's very valuable. And I think this is where, you know, you have to go outside the system. I mean, the current system educates people to behave in a certain way. You know, you get ill, you go to the doctor, the doctor's a godlike figure, the doctor's going to save you, you know, that's how it works. And instead of thinking, oh, I'm part of this process, you know, I can't be passive, I should be active. And I think it's that shift in thinking to think about new ways of doing things. जाहिर है कि ये हर बीमारी का इलाज तो नहीं है, मगर इस क्षेत्र में ये शायद हमें सबसे बढ़िया साधन मिला है। गरीबों के लिए तो यही हल है। वैसे चाहे आप अमीर हो या गरीब, आप इंसान पहले हैं और हर इंसान अच्छी सेहत पाना चाहता है। शुरू में हम गरीब लोगों के लिए हल ढूंढ रहे थे, फिर ये टेक्नोलॉजी मिली जो सभी को फायदा दे सकती थी। और अगर ये कर सकते हैं तो सोचिए इसका असर कितनी चीजों पर होगा। Is it wide enough? Oh yeah, because now we made it for whatever. So, yeah, we still did it for 95th percentile. Yeah, it's so, still. Yeah. So if I gain another 20 pounds, I'm still okay. सबसे मजेदार बात तो ये है कि अगर आपने एक आध बार ऐसे आजमा लिया, तो आप कहेंगे मुझे तो ये करना ही है। आपको महसूस होगा कि आपकी सेहत अच्छी होती जा रही है। मैं इसे 3 साल से कर रहा हूं और मेरे लिए इसके फायदे लाजवाब हैं। मेरा बेटा मुझसे ये कह रहा था कि कुछ सालों में मैं 50 का लगूंगा और आप 40 के। मैंने सोचा अगर मैं इसे इस्तेमाल करके बेहतर हूं तो इसका फायदा सब तक कैसे पहुंचाऊं। हमारी कंपनी में बातों को समझने का अंदाज अलग है। जब भी हमारी टीम से कोई मेरे पास कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आता है तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, क्या यह 100 में से 100 है? नहीं, लेकिन बहुत अच्छा है। मैं फिर पूछता हूं, नहीं, क्या यह 100 में से 100 है? नहीं। ऐसा पूछने से उन्हें भी सोचना पड़ता है और फिर उनके लिए भी यह बात साफ हो जाती है कि अगर यह 100% नहीं है फिर हम इसे क्यों करें।
जब हम पहली बार बड़े पैमाने पर समाज सेवा करने निकले तो हम जगह जगह पैसे देने लगे, ऐसी संस्थाओं को ढूंढना जो आने के लिए पैसे देते रहे। कुछ समय तक ऐसा करने के बाद ये समझ आया कि मदद करना तो अच्छा है, मगर करोड़ों की मदद से सिर्फ चंद करोड़ गरीबों तक पहुंचते हैं। ये समुद्र में मुट्ठी भर रेत फेंकने जैसा था, डालो और गायब। तब हमने द हंस फाउंडेशन की स्थापना करी। फाउंडेशन से लोगों ने दूर दूर जाकर देखा कि कई ऐसे गांव हैं जहां जीने के लिए कोई साधारण सुविधाएं भी नहीं है, जैसे बिजली, पानी और हॉस्पिटल। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर तक जाने या दवाई पाने का दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं है। हमारे शास्त्रों में एक पुरानी कहानी आती है कि एक अंधा आदमी कुएं की ओर बढ़ रहा था। वहीं पास में एक दूसरा आदमी खड़ा देख रहा था। अगर वो अंधा कुएं में गिर जाता तो किसका दोष है, अंधे का या उस आदमी का जो खड़ा देख रहा था? हमारी समाज सेवा का लक्ष्य यही है, करनी अर्थपूर्ण होनी चाहिए। हमें अपनी करनी से ठोस बदलाव लाने हैं, जिससे जो लोग पीड़ित हैं उनकी जिंदगी में फर्क आए। किसके पास ये टेक्नोलॉजी है, कौन ये काम कर सकता है? मनोज इज ड्रिवन बाय द फैक्ट दैट वर्क इज नेवर डन। व्हाट इट शोज इज दैट अ सिंगल पर्सन विद अ स्मॉल टीम कैन एक्चुअली अफेक्ट क्लोज टू 5 मिलियन पीपल। So it doesn't take much to then go and say, how do I help the remaining 500 million? अगर आप किसी अच्छे उद्देश्य से बढ़िया काम करते हैं, तो आपको बहुत संतोष और खुशी होती है। हमने कई ऐसी जरूरत की चीजों को खोजा है जिन्हें हम खुद बना सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि थोड़ा लेके ज्यादा लोगों में फायदा हो और लंबे समय तक फायदा हो। जिसको जितना ज्यादा मिलता है उतनी ही उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है, और वो जिम्मेदारी है गरीबों की मदद करना। ज्यादा मिलने पर औरों के लिए ज्यादा करने की हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। ये एक मुसीबत नहीं, कर्तव्य है। जितना ज्यादा हमें मिलता है उतनी ही सेवा की उम्मीद होती है, और ऐसा होना ही चाहिए। इससे साधारण बात क्या हो सकती है? बस इतना ही कहना है।